हेलो दोस्तों, आपका हमारे इरम खाना खजाना में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो हेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये जो मैं लेकर आई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके बाल पतले हो गए हैं या झड़ रहे हैं या आपके बहुत हल्के बाल हो गए हैं तो इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आपको दिखाने से पहले मैं अपने हेयर को दिखा देती हूँ कि मेरे हेयर कैसे हैं। देखिए दोस्तों, आप मेरे बालों को देखिए, मेरे हेयर कितने घने, और देखिए पूरा नीचे तक देखिए कितने लंबे हैं। दोस्तों देखिए, देखिए ये नीचे देखिए कितने घने हैं, ऊपर देखिए। आपको अगर इतने लंबे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए, हेल्थी बाल चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगी रेमेडी, ये आपको रेगुलर यूज़ करना है। देखिए दोस्तों कितने घने बाल हैं, देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिया है ओनियन, आपको ओनियन लेना है, और मैंने यहाँ पर लिया है कैस्टर ऑयल। तो दोस्तों, अगर आपके बहुत हल्के हैं तो आप इसमें कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। ये हमारे री ग्रोथ को बढ़ाता है और सपोर्ट करता है, ताकि हमारे जो नए बाल हैं वो निकलें। तो नए बाल जब हमारे निकलते हैं तभी हमारे बाल घने और मोटे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा ओनियन है, ओनियन भी हमारे बाल को बहुत बेनिफिट देता है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत से इसमें तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बाल को हेल्दी बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारा ओनियन है इसका जो छिलका है मैं इसे रिमूव कर दूँगी। तो आप लोग भी इसे रिमूव कर लीजिए। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर छिलका जो हमारा है हमने इसको रिमूव कर लिया। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लेना है। तो देखिए, मैं इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेती हूँ। देखिए, मुझे इसे नाइफ की मदद से कट कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर कट हो गया। अब मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी, इसका एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए दोस्तों, मेरा ये पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसे छन्नी की मदद से छान लूँगी। देखिए दोस्तों, हम चम्मच की सहायता से इसे प्रेस करके इसका जो जूस है हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, अच्छे से बिल्कुल इसका जूस निकालना है कि सारा जूस इसका निकल आए। देखिए, मैं प्रेस कर करके इसको निकाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जूस निकल आया है। अब हम इसमें जो हमारा कैस्टर ऑयल है हम इसे डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत थिक होता है, तो हमें इसे बहुत थोड़ी मात्रा में डालना है। देखिए, हमने यहाँ पर 3-4 बूंद लिया है और हम इसे यहाँ पर डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से आपको इसमें मिक्स करना है, जो हमारा कैस्टर ऑयल है वो इसमें मिक्स हो जाए। आपको इसे चम्मच की मदद से इसको ऐसे बिल्कुल मिक्स कर देना है कि हमारा मिक्स हो जाए, जिससे हमारे बाल को बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आप इसे जब लगाएंगे बालों में तो आपके नए बाल यानी रीग्रोथ होगा, आपके नए बाल उगेंगे यानी निकलेंगे। और आपको इसे दोस्तों इसे रेगुलर यूज करना है। आप इसे वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद में आप शैम्पू से वॉश कर लीजिए। दोस्तों देखिए, इसका जो ओनियन का स्मेल होता है ये बहुत ख़राब होता है, मगर आप इसे लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। जो हर कड़वी चीज़ होती है वो बहुत उसकी बेनिफिट होती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप लोगों ने मेरे हेयर को देखा कितने थिक एंड कितने लॉन्ग हेल्दी हैं, ऐसे ही आपको भी हेयर आपको भी मिलेंगे, पर आपको रेगुलर यूज़ करना है दोस्तों। तो आप इसे लगाइए और आप इसका रिज़ल्ट जो भी आपके बालों में होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई भी हेयर प्रॉब्लम हो, ब्यूटी से प्रॉब्लम हो, स्किन से प्रॉब्लम हो, या कोई भी आपको ब्यूटी से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।